आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आजमगढ़ के विद्वान पंडित हरिमोहन पांडे जी से। ससना विश्वनाथपुर गांव के रहने वाले श्री पांडे जी की खासियत ये है कि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस और हरिवंश राय बच्चन की का महाकाव्य मधुशाला दोनों को मिला करके और बहुत शानदार तरीके से संगीत पर प्रस्तुति देते हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपनी प्रस्तुतियां देने आए हैं और अपने बारे में हमने यह जानने की कोशिश की कि यह भाव आपके मन में आया कहाँ से कि दोनों रचनाओं को मिला करके एक साथ प्रस्तुति दीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं जब बीटी स्नातक की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान मुझे प्रेरणा मिली जब हरिवंश राय बच्चन को एक बार पढ़ने का मुझे मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला, तो लिखा कि अमर कृति मधुशाला। तो मैंने कहा मधुशाला, सड़कों पर लोग चलते हैं तो लिखा रहता है कि ध्यान इधर है मधुशाला इधर है। मैंने कहा अगर भौतिक मधुशाला की बात करते हैं हरिवंश बच्चन जी तो शायद यह मधुशाला महाकाव्य का अमर कृति न बनती। तो मैंने मुझे प्रेरणा मिली, वैसे प्रेरणा मिली जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 12 और 32 के चिंतन से अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो इस श्लोक ने ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इस मधुशाला के बारे में कुछ चिंतन किया जाए। तो मैंने एक तरफ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी तरफ मैंने हरिवंश राय बच्चन जी का वो महाकाव्य रखा। तो मुझे उनकी कुछ रुबाइयों में श्री रामचरितमानस के महान प्रसंग भरत चरित्र की झलक मिली और मैंने उस पर चिंतन किया। जैसे जब भरत लाल जी ननिहाल पिता दशरथ जी के मृत्यु के पश्चात ननिहाल कहकर प्रदेश से अयोध्या आए तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत लाल अयोध्या की राज सत्ता पर आरूढ़ हो जाओ, उस पर आसीन हो जाओ और अयोध्या की राजसत्ता संभाल। भरत लाल ने कहा कि गुरुदेव मैं रोगी हो गया हूं, रोगी और भोगी राज्य नहीं चला सकते, राज्य तो विशुद्ध रूप से योगी चला सकता है। कहा योगी तुम किस योगी से कम हो भरत लाल? कहा नहीं गुरुदेव मुझे रोग हो गया। कहा कौन सा रोग हुआ बताओ, क्या इसका कोई निदान नहीं है? भरत लाल ने कहा गुरुदेव निदान नहीं है तभी तो कह रहा हूं। कहा कैसा रोग है कि उसका निदान नहीं है? कहा मुझे तो कुरोगा हो गया। कहा कैसा कुरोगा बता सकते हो? भरत लाल ने कहा गुरुदेव राम लखन सिय बिनु पग पनहिं करहिं मुनि निवेश फिरहिं बाण बनहिं। गुरुदेव मेरी मैया और मेरे भैया जिनके कमलवत चरण ही नहीं कमल की पंखुड़ियों के बीच में बसे हुए पराग से भी कोमल जिनके चरण वो कंकरीले पथरीले मार्ग पर बन बन भटक रहे, इस दुख से मेरी छाती ये ही दुख दाह दही दीन छाती घन वासर नीगन राशी। गुरुदेव मुझे न दिन को भूख लगती न रात में नींद लगती, मेरी छाती दहक रही है हमेशा। कहा कि इसका उपाय क्या है, कोई कुछ तो विकल्प बताओ, कुछ तो उपाय बताओ भरत लाल, अब किया क्या जाए? भरत लाल ने कहा बस गुरुदेव केवल एक उपाय। कहा क्या? कहा आपन दारुण दीनता, वो स्वामी डाल दे श्री राम जी की मानस में लेखनी चलाई, आपन दारुण दीनता
सबई कहूं सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै चरनी न जाए। मैं सबसे सिर झुकाकर एक निवेदन करना चाहता हूं गुरुदेव, यहां तो पूरी सभा बैठी हुई है, जब तक मैं अपने भैया के कमलवत चरणों का दिव्य दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरे छाती की जलन, मेरे हृदय की जलन जाने वाली नहीं है। लगता है हरिवंश बच्चन जी सावधान थे, मधुशाला महाकाव्य के माध्यम से उनकी भी लेखनी साथ में चल पड़ी। उन्होंने बहुत सुंदर लेखनी चलाई, उन्होंने कहा अपने महाकाव्य के माध्यम से कि वहां ला कर सके शांत जो मेरे अंतर की ज्वाला, जिसमें मैं बिंबित प्रतिबिंबित प्रतिपल वह मेरा प्याला, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है। कहा तब क्या होता है, कहा भेंट जहां मस्ती की मिलती, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला, जहां परमानंद मिले, जहां मेरी भैया मुझे मिल जाए, मेरे भैया मुझे प्राप्त हो जाए, उनके कमलवत चरणों का दर्शन मुझे हो जाए, वो मेरी मधुशाला मुझे चाहिए, वो चित्रकूट रूपी मधुशाला के लिए। भरत लाल जी अयोध्या से आगे बढ़ते हैं।